सपनों को पूरा करने वाले जीनी का सपना तो हम सब ने देखा है, लेकिन उसके मिलने के बाद भी आपके लिए सवाल उठता है कि आपके लिए आपके सपनों के क्या मायने हैं और आप उन्हें पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। चाहे बात की जाए 1992 की 2D एनिमेशन या 2019 की लाइव एक्शन मूवी की, अलादीन मूवीज ने हमें दोस्ती, प्यार और अपने सपनों की सही अहमियत करने का परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है, जिसके ऊपर से इन दोनों मूवीज की कॉमेडी और परफॉर्मेंसेस इन्हें कल्ट फेवरेट बनाते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स की तो बहुत फेवरेट है, जिन्होंने कई बार इस टॉपिक को हमें कमेंट्स में सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द अलादीन मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहाँ पर आज आपको पता चलने वाला है कि आखिर कहाँ से शुरू हुई अलादीन की कहानी, अलादीन पहले एक्चुअली किस तरह से दिखने वाला था, क्या 2019 की द लॉयन किंग और अलादीन मूवी एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। जानेंगे अलादीन मूवीज के बिहाइंड द सीन फिल्मिंग के बारे में और साथ ही साथ इनके पीछे होने वाले कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में, और जानेंगे नई अलादीन मूवी और पुरानी अलादीन मूवी के हिंदी डबिंग के बारे में, और फाइनली जानेंगे इन दोनों मूवीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप में से बहुत सारे लोग को ये बात तो मालूम ही होगा कि डिज्नी की 2019 की अलादीन मूवी इसी नाम की 1992 की डिज्नी की एनिमेटेड मूवी अलादीन का एक लाइव एक्शन रीमेक है, लेकिन यहाँ पर अब ये मूवी बेसिकली बेस्ड थी अलादीन और उसके चिराग के मिडिल ईस्टर्न फोक टेल पर, जिसे माना जाता है कि ये कहानी चाइना में ओरिजिनेट हुई थी और पुराने जमाने में सिल्क रूट के थ्रू ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर हुई और इसके कई सारे वर्जन्स बने, और इसी का जब एक वर्जन एक सीरियन स्टोरी टेलर हना दियाब से फ्रांस के एंटोनी गलान ने सुना, तो सन 1710 के आसपास उन्होंने इस कहानी को द बुक ऑफ 1001 नाइट्स में शामिल करवाया, और यहीं से पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी। वैसे डिज्नी के अंदर अलादीन मूवी को बनाने का आइडिया लिरिसिस्ट हार्वर्ड एशमैन को 1988 में आया था, जहां पर उन्होंने डिज्नी को अपने अलादीन के 40 पेज की कहानी पहली बार पिच की। अब वैसे तो इनिशियली डिज्नी ने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन ब्यूटी एंड द बीस्ट में उनके साथ काम करने के बाद डिज्नी ने उनकी कहानी पर गौर किया और इसमें खुद ही कुछ सुधार किए, जहां पर उन्होंने द थीफ ऑफ बगदाद जैसी मूवी से कई सारी इंस्पिरेशंस ली, और फाइनली इसकी स्क्रिप्ट पर एक बार फिर से काम करने के बाद 1992 में इसकी ओरिजिनल द अलादीन मूवी को रिलीज किया गया। आज भले ही अलादीन की कहानी, उसके अपीयरेंस और उसके कैरेक्टर्स एक कल्ट क्लासिक हो, लेकिन इनिशियल प्लान्स और डिजाइन्स के हिसाब से अलादीन और उसकी मूवी बहुत ज्यादा अलग लगने वाली थी, जहां पर सबसे पहले अलादीन बेसिकली एक 13 साल का बच्चा होने वाला था जो अपनी माँ के साथ रहता था, जैसा कि हमेशा से ही अलादीन की कहानियों में दिखाया गया है। लेकिन डिज्नी के हायर एग्जीक्यूटिव्स को ये कहानी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, और इस मूवी के प्रोडक्शन के दौरान एक ऐसा दिन आया जिसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है, जहां पर ऑर्डर किया गया कि इस पूरे की पूरी कहानी को रीस्ट्रक्चर किया जाए, जिसके कारण एनिमेटर्स, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट और राइटर्स ने 8 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी कहानी को रीस्ट्रक्चर किया और अलादीन को 18 साल का एक ऑर्फन बनाया। इनिशियली उसका लुक भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां पर पहले उसे बैक टू द फ्यूचर के माइकल जे फॉक्स पर डिजाइन किया जा रहा था, लेकिन उस दौरान टीन्स के बीच में टॉम क्रूज की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण अलादीन के लुक्स को टॉम क्रूज पर मॉडल किया गया। साथ ही साथ उसके ट्राउजर्स को फेमस रैपर MC हैमर के ट्राउजर्स पर मॉडल किया गया, और ऐसे क्रिएट हुई डिज्नी की फेमस मूवी अलादीन। वहीं पर अगर बात करें जीनी की, तो एनिमेटेड मूवी के आइकॉनिक जीनी का रोल लेट आइकॉनिक अमेरिकन एक्टर रॉबिन विलियम्स ने प्ले किया था, जिन्होंने इस कैरेक्टर में लिटरली अपनी जान डाल दी और लगभग जीनी के हर एक लाइन को अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज किया। होता ये था कि रॉबिन विलियम्स 90s में एक बहुत ही इन डिमांड एक्टर थे, जिसके कारण उनके पास रिकॉर्डिंग के लिए बहुत कम समय होता था, और इसी की वजह से वो अपने रिकॉर्डिंग सेशंस में ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऐड किया करते थे। साथ ही साथ वो एक एक लाइन को 20 अलग अलग अंदाज में रिकॉर्ड किया करते थे, और एडिटिंग के दौरान सबसे अच्छे लाइन को चुन लिया जाता था। यहाँ पर जीनी के रोल के ऊपर उनका इतना बड़ा शानदार इम्पैक्ट था कि जीनी को उन्हीं के लुक के ऊपर मॉडल तक किया गया था। इन दोनों मूवीज के अंदर इसका आइकॉनिक गाना अरेबियन नाइट्स तो आपने सुना ही होगा, जिसे सुनकर बचपन में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। वेल अपेरेंटली ये गाना और भी ज्यादा क्रीपी बनने वाला था,
जहाँ पर इस गाने के अंदर एक लाइन ऐसी भी थी जो डिज्नी के ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा हो जाती, क्योंकि एक गाने के लाइन के हिसाब से कान काटने वाली बात की गई थी। ऑफ कोर्स ये चीज डिज्नी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था, जिसके कारण इस लाइन को हटा दिया गया। सर पैट्रिक स्टूअर्ट जिन्होंने एक्समैन मूवीज के अंदर चार्ल्स जेवियर का रोल प्ले किया था, वो 90s के एनिमेटेड मूवी के अंदर जफार का रोल प्ले करना चाहते थे, लेकिन उस दौरान वो अपनी सीरीज स्टार ट्रैक द नेक्स्ट जनरेशन में बहुत ज्यादा बिजी थी, जिसके कारण यहाँ पर जोनाथन फ्रीमैन ने जफार को अपनी आवाज दी। वहीं पर नई मूवी के अंदर पहले टॉम हार्डी को जफार के रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर फाइनली इस रोल को मार्विन केंजारी ने प्ले किया। इस मूवी के अंदर नियोमी स्कॉट जैस्मिन के रोल में हमें काफी ज्यादा खूबसूरत लगी, साथ ही साथ उनके कैरेक्टर को ओरिजिनल मूवी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंडियनाइज बनाया गया था। वेल, अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक होता तो इस कैरेक्टर को यहाँ पर एक इंडियन एक्ट्रेस ही प्ले कर रही होती, जहाँ पर रिपोर्ट्स के हिसाब से जैस्मिन के रोल के लिए पहले इंडियन एक्ट्रेस तारा सुतारिया को ऑलमोस्ट इस रोल के लिए कास्ट कर लिया गया था, लेकिन वहीं पर इस मूवी के मेन लीड यानी अलादीन का रोल प्ले करने वाली मीना मसूद के साथ नियोमी स्कॉट की केमिस्ट्री काफी ज्यादा बेहतरीन थी, जिसके कारण यहाँ पर नियोमी स्कॉट को इस रोल के लिए चुना गया। सवाल ये उठता है कि इतने साल एक कॉमेडी एक्टर होने के बावजूद भी गाय रिची ने विल स्मिथ को ही क्यों चुना? वेल, शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि पहले जीनी के रोल के लिए गैब्रियल इग्लेसियस जैसे कॉमेडियंस भी लाइन में थे, ऊपर से यहाँ पर जिम कैरी को भी इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान उनके एक लॉ सूट के चलते वो इस रोल को प्ले नहीं कर पाए। लेकिन वहीं पर गाय रिची के हिसाब से विल स्मिथ को उनको चुनने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि भले ही विल स्मिथ रॉबिन विलियम्स की परफॉर्मेंस की बराबरी नहीं कर सकते, पर वो अपना एक यूनिक टच जरूर देंगे, जो एक लाइव एक्शन मूवी के जीनी में बहुत ज्यादा जरूरी था। वहीं पर जीनी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा ऑसम बनाने के लिए विल स्मिथ ने बहुत सारे इंस्पिरेशन लिए, वो भी खुद के कई सारे फेमस कैरेक्टर्स के, जैसे कि द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर टीवी शो का विल कैरेक्टर, बैड बॉयज का माइक लॉवरी कैरेक्टर, इंडिपेंडेंस डे का स्टीवन हिलर कैरेक्टर और मैन इन ब्लैक का एजेंट जे कैरेक्टर। तभी कहा जाए कि इस मूवी के अंदर इतना मजा क्यों आ रहा था। अब चलिए बात करते हैं इन दोनों मूवीज के बिहाइंड द सीन हिंदी डबिंग के बारे में, जो कि शायद आपको बहुत सरप्राइज कर सकते हैं, जहां पर बावजूद इसके कि दुनिया भर में अलादीन मूवी 1992 में रिलीज हुई थी, इंडिया में इसे 94 में रिलीज किया गया था, जहां पर अलादीन की आवाज को मेरे फेवरेट इंडियन सिंगर सोनू निगम ने दी थी। वहीं पर जैस्मिन को अपनी आवाज नर्मदा सावने ने दी थी और जैस्मिन की सिंगिंग के पार्ट्स के लिए डोमिनिक सरेहू ने अपनी आवाज दी थी। वहीं पर नई मूवी के लिए एक बार फिर से डिज्नी सोनू निगम को ही अप्रोच कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बन पाई और यहाँ पर अरमान मलिक ने अलादीन को अपनी आवाज दी। वहीं पर प्रिंसेस जैस्मिन के लिए यहाँ पर मुस्कान जाफरी ने अपनी आवाज दी थी और फाइनली यहाँ पर जीनी की आवाज इंडियन आरजे और वीजे मंत्रा ने दी है। अब वैसे तो इस मूवी की कई सारे इंटरनल शूटिंग सर्रे इंग्लैंड में बेस्ड लॉन्ग क्रॉस स्टूडियोज के अंदर कई सारे प्रैक्टिकल और साउंड स्टेजेस वाले सेट्स पे हुई है, लेकिन डेजर्ट्स के सीन के लिए यहाँ पर जॉर्डन के वादीरम डेजर्ट का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर जॉर्डन की द रॉयल फिल्म कमीशन ने इस मूवी के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और तो और, इस मूवी के कई सारे एक्सटर्नल सेट डिजाइन्स को गेम ऑफ थ्रोन की प्रोडक्शन डिजाइनर गैमा जैक्सन ने क्रिएट किया था, जिसमें इन सब के अंदर सबसे कठिन था प्रिंस हैरी का डांस सीक्वेंस, जहां पर 1000 डांसर्स और एक्स्ट्रास का इस सीन के दौरान इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर विल स्मिथ के जीनी फॉर्म के लिए यहां पर ऑफ कोर्स विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें विल स्मिथ ने ही अपना फेशियल और बॉडी मोशन कैप्चर दिया था। अब जाहिर सी बात है, हर ट्रेंडिंग और फेमस चीज के पीछे कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी जरूर होती है, और ये मूवी भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, जहां पर इस मूवी के प्रोडक्शन के दौरान डिज्नी पर लोगों का सबसे बड़ा आरोप ये था कि डिज्नी यहां पर इस मूवी को जबरदस्ती व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है, और इसकी शुरुआत टॉम हार्डी के जफार के रोल की कास्टिंग के न्यूज से होने लगी थी। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बिहाइंड द सीन कई सारे बैकग्राउंड एक्टर्स को ब्राउन मेकअप भी किया जा रहा था, ताकि उन्हें एक मिडिल ईस्टर्न की तरह अपियर किया जा पाए, बजाय इसके कि इन रोल्स के लिए किसी सचमुच के मिडिल ईस्टर्न को ही कास्ट किया जाए। लेकिन ऑफ कोर्स यहां पर डिज्नी ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर किया कि यहां पर उनका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, और यहां पर उन्होंने दुनिया भर के कई सारे साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्टर्न हेरिटेज के कई सारे एक्टर्स को अलग अलग रोल्स के लिए कास्ट किया है। इस मूवी के बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स,
और लुक्स और एस्थेटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल था जो आपकी आंखों से मिस हो गया होगा। और बेसिकली ये चीज शायद कंफर्म करती है कि डिज्नी का लाइव एक्शन यूनिवर्स बेसिकली एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अ होल न्यू वर्ल्ड वाले सीन के अंदर कारपेट को एक ऐसी जगह से उड़ता हुआ दिखाया जा रहा है जो बेसिकली प्राइड लैंड की तरह अपीयर हो रहा है, जहां पर 2019 की ही द लॉयन किंग कहानी बेस्ड है। अब इस थ्योरी के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं ओरिजिनल और लेटेस्ट मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। और अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करें ओरिजिनल की, तो इस मूवी को 1992 में $28 मिलियन के टोटल बजट पर बनाया गया था, और इस मूवी ने उस जमाने में शानदार तरीके से $504 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जुटाया था, जो एक एनिमेटेड मूवी के हिसाब से बहुत ज्यादा था। साथ ही साथ इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए गोल्डन ग्लोब्स और एकेडमी अवार्ड दोनों दिया गया। और तो और इसे गोल्डन ग्लोब्स के अंदर ही बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। साथ ही साथ पहली मूवी ने ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट साउंड ट्रैक एल्बम, बेस्ट म्यूजिक एल्बम फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट पॉप परफॉर्मेंस बाई अ डुओ और ग्रुप एंड वोकल, और बेस्ट सॉन्ग रिटन स्पेसिफिकली फॉर मोशन पिक्चर और टेलीविजन के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं पर अगर बात करें 2019 के मूवी की, तो यहाँ पर एकेडमी अवार्ड के अंदर जैस्मिन के गाने स्पीचलेस को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन ये सॉन्ग नॉमिनेट नहीं हो पाई। बाय द वे, इस मूवी ने $183 मिलियन के बजट पर इम्प्रेसिव $1 बिलियन का बिजनेस किया था। अब चलिए बात करते हैं इस लाइव एक्शन मूवी के फ्यूचर के बारे में, जहाँ पर ऑफकोर्स इसकी सीक्वल को तो प्लान किया ही गया है। वैसे ओरिजिनल मूवी के दो और सीक्वल्स आए थे, जो कि थे द रिटर्न ऑफ द जफार और अलादीन एंड द किंग ऑफ द थीव्स। लेकिन डिज्नी के हिसाब से इन लाइव एक्शन मूवीज की सीक्वल बहुत ही ज्यादा अलग और नए कहानी पर बेस्ड होंगी, और फिलहाल ये मूवी अपने प्रोडक्शन के इनिशियल स्टेजेस पर है, जिसमें सारे के सारे एक्टर्स अपने रोल में वापस आएंगे। साथ ही साथ डिज्नी इसकी एक लाइव एक्शन प्रीक्वल भी प्लान कर रहा था, जिसमें प्रोबेबली जीनी की कहानी दिखाई जाती, लेकिन ऑफ कोर्स इस साल इसे स्क्रैप कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इसके स्पिन ऑफ पर भी काम चल रहा है, जो बेसिकली एक डिज्नी प्लस एक्सक्लूसिव होगा और ये प्रिंस एंडर्स के कैरेक्टर पर फोकस करेगा। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम नई और पुरानी अलादीन मूवीज फैक्ट्स। सबसे पहले आप सबको उम्मीद करता हूँ कि दिवाली बिल्कुल जीनी की तरह आप सबके विशेष को पूरा कर दे, और इस दिवाली मैं विश करता हूँ कि मैं आप सबके कमेंट्स पर वीडियोस जल्दी जल्दी बना पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और आप इन मूवीज के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।